रानी। मेहर, मैंने अभी रानी का नाम सुना। हाँ, और मैंने भी। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मानो और मैं हमें देख ले। पर वो तो वहाँ नहीं है। चल देखते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, अरे बाप रे, इस रानी ने तो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उसके ना होने पर भी हमारे कानों में उसका नाम गूंज रहा है। हाँ, अगली बार आएगा मैं उसे पीट दूंगा। अच्छा, हाय रानी। नहीं पीटूंगा रानी, मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं पीटूंगा, नहीं पीटूंगा। पीट दूंगा। वो क्या है ना मैं, और डरने से भूख पड़ती है ना, वही मैं डरने से भूख बढ़ा रहा था। हाँ, अरे बहुत भूख लग रही है, चल। वो खाना लाने में इतनी देर कैसे लग गई? अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम हमें वहाँ से यहाँ चुपचाप क्यों लेके आए? बाद में बताता हूँ, अभी भूख लगी है, पहले खाना खा लूँ। हाँ। हमारे लिए? हाँ यार केवल, ये तो मोंटू बॉस से भी अच्छे। चल। Don't angry रॉनी, हाथ आगे करो। ये तुम लोगों के लिए और बाकी सब मेरे लिए। अरे रुको, क्यों हो? मैं प्लीज बोलने का वेट कर रहे हो क्या? हाँ। Don't angry me. जल्दी जाओ, वरना मैं बाकी सब बकरे खा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। पानी नहीं लेके आए। पानी 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 पानी। अब तक तो मानो मैंने भी वो दवाई मिला हुआ पानी पी लिया होगा। अब तो उन्हें भी चक्कर आ रहे होंगे। पारी, जल्दी कुछ कीजिए, पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है। विस्तार परी, आप अपने विस्तार शक्ति से इस जल चक्र को तोड़ दीजिए और नाराज परी को आजाद कर दीजिए। हाँ पारी। कोई ऐसा नहीं हो रहा है। बालपरी, ये जल कवच बहुत ही मजबूत है, मेरी शक्ति इस पे असर नहीं कर रही। लेकिन नाराज परी को बचाने के लिए हमें इस जल कवच को तोड़ना ही होगा। परियो, हम सब मिलकर एक साथ वार करेंगे। हाँ बालपरी। जल का स्तर तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर अगले कुछ क्षणों में हम इस जल कवच को नहीं तोड़ पाए तो नाराज परी मिट्टी की तरह इस जल में घुल जाएगी। नहीं 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 नहीं, मानव, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि खाने के बीच में नो पानी। बस थोड़ा सा पानी पीने देना, थोड़ा सा प्लीज। नहीं नहीं, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि पानी पीने से तेरा पेट भर जाता है और आधा खाना ऐसे ही छोड़ देता है। अरे यार केवल, अगर हम नल तक पानी भरने जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी और तब तक वो एंग्री बर्ड अकेले ही सारा खाना खा जाएगा। हाँ, हमें काम करते हैं,
यहाँ किसी बच्चे की बोतल से पानी भर लेते, फिर वो डोन डाल रही रोनी को पता भी नहीं चलेगा। राइट राइट नहीं लेफ्ट, वो देख। ओ चल चल, मेरा तो खाना हो गया, अब तो मैं पानी पी लूं। हाँ भाई अब तू पानी पी ले। मैं भी। ए? ए? ये क्या रोहित केवल बॉटल है? देखो रोहित केवल, देखो तो तुम महर, कि जब इस बॉटल में से हम इस बॉटल में पानी भरेंगे, ये पानी रोनी पिएगा। क्या? देखो रोहित केवल, मैं तुम दोनों को पीट दूंगी। अच्छा तो पीट ना। अरे ये क्या कर रहे हैं? रोहित 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 मैम रोहित रोहित ये लम है। चल रही चल। इतनी देर क्यों लगा दी? और पानी फ्रेश फिल्टर से भर के लेके आओ ना। हाँ गुड। वैसे मानव मेहर कहीं दिखे क्या? नहीं मानव मेहर कहीं नहीं दिखाई दिए। दिखेंगे कैसे? अब तक तो उन्हें चक्कर आ रहे होंगे। चक्कर आ रहे होंगे? क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बोतल में चक्कर आने वाली दवाई मिला दी थी। क्या? रोहित केवल, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रोहित किस चक्कर में फंस गए? हाँ, अब ये एंग्री यंग बॉय हमें बहुत पीटेगा। केवल तुम लोगों ने क्या गड़बड़ की? क्या गड़बड़ की तुम लोगों ने? नहीं छोड़ूंगा रोहित, नहीं छोड़ूंगा। रोहित हम मोंटू बॉस को पहले सिखा देते कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज के बाद हम रोनी को भी यही सिखाएंगे। बालवीर, बालवीर कुछ कीजिए, आपके पास कोई तो युक्ति होगी। नाराज परी को बचाने की बस एक ही युक्ति। वो क्या है बालवीर? हमें अलग अलग वार करने की बजाय एक ही जगह पे वार करना चाहिए, जिससे वो हमारे वार को सह नहीं पाएगा और वहाँ पे एक छेद हो जाएगा, जिससे ये जल कवच टूट जाएगा। हाँ बालवीर यही सही होगा, आप निशाना बनाइए। हाँ माँ।
इजाजत ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ कह रही हो। उस दवाई की वजह से अभी तक मेरा सर चकरा रहा है। अच्छा हुआ मानो मैंने वो दवाई नहीं खाई। Don't angry Ronnie। अरे इसके कहने का मतलब है हम अभी टेस्ट कर लेते हैं कि वो दवाई ठीक थी या नहीं। ये कितनी उंगली है? एक उंगली है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम्हारी दवाई बिल्कुल बेकार थी। बेकार तो तुम दोनों हो। बेकार और हम काबिल। अच्छा तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये कितनी उंगली है? 10 उंगली है। 10? नहीं, ये 2 मुक्के। Idiots, don't angry Ronnie। तुम लोगों को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक, आज से हम सिर्फ सच बोलेंगे और हम अभी जाकर सर को और मानो मेहर को सच सच बता देते हैं कि कल तुमने क्या किया था। हाँ, चल रहे थे। रुको idiots! तुम लोगों को सच सिर्फ मुझसे बोलना है, सर से नहीं। वैसे भी तुम दोनों की वजह से मानो और मेहर को पढ़ने से रोकने का पूरा प्लान फेल हो गया है। अब मुझे फर्स्ट आने के लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। कितनी बड़ाई है। हाँ मैं, पर फिर भी इस बार तो ही फर्स्ट आएगी। नहीं मानव, तू फर्स्ट आएगा। नहीं मैं, देख पिछली बार मैं फर्स्ट आया था तो इस बार तू फर्स्ट आएगी। नहीं नहीं मानव, तू दूसरे एग्जाम में फर्स्ट आया था, फाइनल एग्जाम में तू है। मानव मानव मैं इस बार तुम लोग फर्स्ट नहीं, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा। क्या आप एग्जाम में फर्स्ट आओगे? एग्जाम में नहीं, पतंग उड़ाने में। दूध पीने में फर्स्ट कौन आएगा ये बताओ तो। मैं एक मिनट, पहले मैंने खत्म किया तो मैं फर्स्ट आई ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं फर्स्ट आया लास्ट से। बच्चों पापा देखो मैं फर्स्ट आई। नहीं नहीं मैं फर्स्ट आया। लेकिन मैं क्या लाया हूँ? तनखो लाया है दा, जलेबी लाया हूँ। जलेबी जलेबी यस, लो 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 बच्चों दा। मानो तू भी ले, मानो वन बाय वन। यस सुना, बल्लू होता तो कितना खुश हो जाता ना, उसे जलेबी बहुत पसंद थी। अरे आ जाएगा स्मिता, बल्लू जल्दी आ जाएगा। मैं जाके बल्लू के चाचा को कहूंगा कि उसे जल्द से जल्द भेज दे उसकी फाइनल एग्जाम के पहले। अरे चलो चलो जलेबी खाओ। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। नाराज परी, एक बार फिर से परिलोक का सदस्य बनने के लिए हम आपको बधाई देते हैं। हाँ नाराज परी, स्वागत है आपका परिलोक में। बाल परी, ये तो आपका और सब परियों का बढ़प्पन है जो आप सब ने मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर फिर से एक परी होने का सम्मान दिया। नाराज परी, सच कहूं तो ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। हाँ, वरना हम सब तो बहुत गुस्सा थे आप पर, लेकिन बालवीर ने हमें सही राह दिखाई। बालवीर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नाराज परी, मैंने तो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। हाँ बालवीर, लेकिन अब ये मेरा समय अपने आप को अच्छा और सच्चा सिद्ध करने का और आप सबका बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देने का।
और वो तभी संभव है जब बुराई की रानी भयंकर परी का अंत होगा। लेकिन नाराज परी, भयंकर परी का अंत होगा कैसे? हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो बार बार बच जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर परी का अंत असंभव है। नाराज परी, अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। नहीं बाल परी, अब यह लड़ाई समाप्त होगी। इस बार भयंकर परी नहीं बचेगी, क्योंकि मैं जानती हूं भयंकर परी का अंत कैसे होगा। नाराज परी, आप ये कैसे जानती है कि भयंकर परी का अंत कैसे होगा? अपनी शक्ति के घमंड में आकर ये बात मुझे भयंकर परी ने खुद बताई थी। भयंकर परी का अंत भयंकर परी का अंधक विष से हो सकता है, विष से हो सकता है, विष से हो सकता है। हाँ परियां, जो कार्य आप सबकी शक्तियां मिलकर नहीं कर सकती वो कार्य गंधक विष कर सकता है। गंधक विष जैसे ही भयंकर परी के शरीर में जाएगा, भयंकर परी का अंत हो जाएगा। ये गंधक विष तो सिर्फ गंधक के फूलों से बनता है। परियो, मैं गंधक के फूलों को लेकर आऊंगा। नहीं बालवीर, ये इतना आसान नहीं है। गंधक विष के फूल हिमालय की चोटी पर उगते हैं और उसकी रक्षा हिम दानव करता है। हाँ बालवीर, वो हिम दानव कोई मामूली दानव नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। उसके मुंह से अग्नि निकलती है और जो भी वहां पर वो गंधक के फूल लेने जाता है वो दानव उसका अंत कर देता है। माँ, अंत तो होगा, अंत तो होगा, लेकिन उस हीन दानव का, लेकिन उस हीन दानव का, लेकिन उस हीन दानव का, और उसके बाद अंत होगा, उसके बाद अंत भयंकर परी का, भयंकर परी का, भयंकर परी का। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, तुम बैठो। साइलेंस। रोहित केवल। रोहित केवल कौन है? साइलेंस। अरे मैं सर हूँ। अरे किसका सर? मेरा सर या केवल का सर? साइलेंस। अरे मैं पूरी क्लास का सर हूँ। उठो। साइलेंस। ये आपकी उंगली है सर। साइलेंस। अरे मेरा मतलब है ये चेहरे पे क्या है? ये क्या हाल बनाया हो अपने चेहरों का? चलो जाओ और मुंह धो के आओ। साइलेंस। नो जाओ। साइलेंस। अच्छा बच्चों, आज मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। सर, छुट्टी के बारे में। पढ़ाई नहीं करोगे तो स्कूल से वैसे भी छुट्टी हो जाएगी। इस बार के फाइनल एग्जाम्स के लिए आप सबको एक स्पेशल रोल नंबर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सर? वो इसलिए कि कई बार नाम देख के और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम कुछ ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, लेकिन अब से नो ग्रेस मार्क्स। तो फिर सर, हमारे रोल नंबर हमें कब मिलेंगे? बेटा वो आपको लास्ट पीरियड में मिलेंगे, क्योंकि वो लिस्ट अभी भी प्रिंसिपल सर के केबिन में है। ओके ओके सर। अपने अपने बुक्स निकालो। वाह, क्या कमाल का आइडिया है फर्स्ट आने का। अब बस इससे पहले वो लिस्ट यहाँ क्लास में आए, मुझे किसी तरह प्रिंसिपल सर के केबिन में जाकर उस लिस्ट को अपनी लिस्ट से बदलना होगा, जिसमें मेहर का नाम मेरी जगह पे होगा और मेरे नाम की जगह पे मेहर का नाम। इसके बाद मेहर हर एग्जाम शीट में मेरा रोल नंबर लिखेगी, यानी मेहर एग्जाम तो देगी मगर खुद के लिए नहीं, मेरे लिए।